नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तां। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के शीतलमणि पंचायत अंतर्गत बर्ताबाड़ी गांव में सोमवार को कटिहार महिला एसआई मीरा देवी सह आजमनगर पुलिस के द्वारा धारा 376 के तहत कुर्की जब्ती कराने गई थी। कुर्की जब्ती के दौरान आजमनगर थाना क्षेत्र मानुतोष कुमार के द्वारा गाली गलौज करने पर घर वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें भगदड़ मच जाने से महिला एसआई घायल हो गए। तभी दो घंटे बाद डीएसपी प्रेमनाथ राम एवं सभी थाना के थाना अध्यक्ष द्वारा अभियुक्त के घर को चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें कुछ सिपाहियों ने अभियुक्त के घर पर काफी तोड़फोड़ की, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला। वहीं अभियुक्त के भाई ने बताया कि कुर्की जब्ती होने से पूर्व इश्तेहार चिपकाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अचानक घर पर आए एवं गाली गलौज के साथ कुर्की जब्ती करना शुरू कर दिया। वहीं अभियुक्त के मां ने कहा कि आदमनगर पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी की है एवं भद्दा भद्दा गाली गलौज करने का आरोप लगाया। वहीं अभियुक्त का भाई ने महिला एसआई मीरा देवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहुत दिनों से फोन के माध्यम से कहता था कि हमसे जल्दी मिलो वरना घर में कुर्की जब्ती हो जाएगी। जब मिलने जाता था तो पैसे का डिमांड करता था। वहीं अभियुक्त के भाई कहा कि जैसे तैसे पैसे का बंदोबस्त करके देते रहे, जब पैसा नहीं दे पाए तो अचानक से कुर्की जब्ती करने आ गई। देखिए आगे खास रिपोर्ट। रंडी का औला आप लोग कपड़ा उतारो, कपड़ा नहीं उतराने से बहुत कुछ हो जाएगा। बड़ा बाबू मुई कसी ईटा घर तो उजरा लो, ईटा घर ना उजरा, हमें जवान बेटी के कहीं आर रहे गए जैखान घर छे वही खान घर थी उजरा ली लो। नहीं अभी कपड़ा उतराओ, नहीं तो बहुत कुछ कर देंगे। उतराओ रहा इसका कपड़ा, उतराओ गोटे बदन का कपड़ा उतराओ, इसका इसका मारो, इसका लट्ठी ढुकाओ, यही से यही ला भसा भसा बोल मुखे सब कथा। अब गोटे घर द्वार भांगे तो पाँ हाँ धरे बाबू है ना मन कर, हमार बेटी कहीं रहे मोर जवान बेटी नहीं कहीं रहे एक घर तो भांगलो ये सामान नहीं चले जाए मारो बेसी करे आरो बेसी कर नहीं भले एक बोले मार धरे भले सब कोई धरे होना नहीं चल याक धरे नहीं चल थाना नहीं चल याक धरे। नाम आपका? अतिया खातून। ये जो मामला हुआ था जिस लड़का के साथ मेजर नाम का, वो आपका कौन होगा? बेटा। मामला उसी के साथ था? वही साथ का है। तो मेजर अभी घर पे है? नहीं है, लड़की लगे तो फरार है, उसका लिए तो मेरा घर बर्बाद हो गया। कितना दिन पहले फरार हुआ? महीना दिन हो गया। हाँ शादी कर लिया वो। कल जो कुर्की जब्ती होने के दौरान आपका क्या क्या नुकसान किया है? हमारा यहाँ जो घर में जो तेल है और कुछ केवार का डंडा उंडा तोड़ के वो सब गिरा दिया। तो वो जो लड़का है जिसके घर में है तो वो आपका कौन है? वो मेरा भतीजा होगा। वो अकेला अपने खाता है कमा के, हम अपने खाता है कमा के बच्चे बाल बच्चा लेके। तो आपका नुकसान क्या क्या हो रहा है? गेहूँ टेहूँ धान टान तेल टेल उंडा दिया हमारा खाने का चोल उल। हाँ आपका नाम? मेरा नाम सरफुल। मामला क्या था जो पुलिस कल काफ़ी संख्या में आपके घर में आए थे कुर्की जब्ती करने के लिए? मामला यही था कि 2018 में केस हुआ था 376 वाला, तो उसमें जो है हम लोग का मेरा बाप मेरा छोटा भाई मेजर, मेरा नाम तालिब, हम मेरा और मेरा बाप अब्दुल गनी, मेरा माँ मेरा बहन सबको केस में दे दिया था 376 मेरा भाई के ऊपर, 313 मेरे के ऊपर और मेरा उसके बाद मेरा बाप के ऊपर 365 अपहरण का मामला। तो आप बताइए पत्रकार जी के जो है बाप बेटा मिलकर कभी रेप होता है क्या? तो किसके विरुद्ध कौन किया था ये केस? ये केस किया था अयूब, लड़की का नाम है शिवली। तो केस जो किया केस कर दिया, केस करने के बाद हम लोग बेल लिए, मेरा माँ मेरा बहन का नाम 164 का बयान में दिया था। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब केस FIR हुआ 3 महीने के बाद पता चला हमको कि मेरे ऊपर केस हुआ है, 164 का बयान हो गया, केस FIR हो गया, केस ट्रू हो गया, तब पता चलता है कि मेरे ऊपर केस हुआ है। तब जाके हम 6 महीना फरार रहे, 6 महीना के बाद हमको बेल मिला। उसके बाद जो मेरा भाई का बेल नहीं कराए थे, 2018 में केस हुआ था, मैडम बोल रहे थे मैडम कोई केस होगा, क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के कारण जो है हम लोग बेल लगाए, बेल स्थगित रह गया, 2 साल तो लॉकडाउन ही रहा। जैसे 6 साल तब वकील साहब को बोले, तब जो है मैडम को बोले कि 2890 में मेरा बेल नंबर पड़ा है, मैडम जैसे बेल होगा हम आपको बोलेंगे आप रुकिए क्या कीजिएगा, झूठा केस है, बिल्कुल झूठा केस है ये, जो है जानबूझ के विलेज पॉलिटिक्स करके लोग जो है केस किया है, हम लोग को पता भी नहीं था कि केस हुआ है, केस होने का 3 महीना बाद पता चला। तब उसके बाद क्या हुआ, मैडम फिर हमको कहने लगा कि कब तक बिल कराओगे, नहीं तो कुर्की जब्ती निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग मैडम का नाम बताएं, रीना देवी रीता देवी बोला कि ठीक है नहीं करोगे तो सबको उठा के ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैंने तामझाम बोलने लगा, पूरा धमकी देने लगा था। हम बोले ठीक है मैडम मेरा भाई गलत किया है, अगर ऐसा होगा हम सिलेंडर करवा देंगे।
तो बीच में फिर जो है नंबर पासों में मैडम हमको 7 तारीख को फोन किया, बोला कुर्की निकल गया। हम चाहे हम ठीक है मैडम, अगर ऐसा बात है तो भाई को सरेंडर करवा देंगे। एक भाई सोमवार जो हमको कटिहार मैडम बुला लिया, बुलाने के क्रम में मेरा घर में आके तोड़फोड़ चालू कर दिया। ठीक है मेरा भाई गलत किया था, मेरा भाई को हम सरेंडर नहीं किए थे, मेरा भाई का घर तोड़वा लिए, केवाड़ तोड़ दिए, उसके बाद जो आप चौकी तोड़ दिए, बेंच तोड़ दिए, सब लेके जा रहे थे हम देने थे। हमारा जो ये था क्या बोलता है कि हमारा जो सामान था मेरा सास ससुर जो दहेज में दिया वो उठा के ले गए। हम बोलने लगे कि सर हम क्या गुनाह किए, हमको मेरा भाई गुनाह किया, मेरा भाई सिलेंडर नहीं दे रहा, जो सामान मेरा भाई खाया आप उठा के लेके जाइए। हम मना नहीं है, कानून से बड़ा हम नहीं है, ना सुप्रीम ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट के सामने ना 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 मुख्यमंत्री का ये है चलेगा, ना प्रधानमंत्री का चलेगा। सबसे बड़ा कानून है, कानून को मानते हैं, हम सहयोग भी किए। लेकिन मानुतोष कुमार बड़ा बाबू जो है कहने लगा कि सब घर बुलडोजर देकर तोड़वाएंगे, ज़्यादा करोगे तो पूरे परिवार को उठा के ले जाएंगे। मेरा माँ को अपमानित किया, मेरा बहन को अपमानित किया, मेरा माँ का सब में हाथ भी दिया हूँ, और जो मेरा बहन को विभिन्न विभिन्न प्रकार का गाली दिया, जो गाली जीवन में हम लोग नहीं सुने थे। मेरा माँ को गाली दिया, मेरा बहन को गाली दिया, मेरा चचला भाई को आके तुरंत जैसे गाड़ी से उतरा मारा, मारपीट किया, सबको मारा। तब हम आके पहुँचे, तब देखिए ऐसे ऐसे बात है, तब हम लोग बोले कि ठीक है पकड़ो, तो लोग भाग गया। तब मैं मैडम गिर गया रोड में, अपने से जख्म हुआ है, मैडम को कोई शास्त्र लेके नहीं मारा है, अगर मारा है तो वो जो है गलत बात है, वो जो है राजनीति षड्यंत्र, ये अपना पुलिस अपना जो है कानून निभा रहा है। लेकिन एसआई मैडम बयान दे रही है कि उसको धारदार हथियार से मारा गया है जिसके कारण वो घायल हो गई है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए सर, ये धरती बहुत बड़ा है और ये दुनिया बहुत बड़ा है, सच और झूठ इसी धरती में मिलेगा। हम लोग कोई नहीं मारे उसको, वो अपने भाग रहा था, अपने रोड में गिरा है, खुदा गवाह है। सच सामने में थोड़ा देरी होगा, सच आने में देरी होगा, देखिएगा जैसे सच सर आ जाएगा आपको खुद ब खुद नजर मिल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तालिब रेजा, मेरा पिताजी का नाम अब्दुल गनी। के साथ कहना पड़ता है मीडिया के सामने कि मैडम जो है रीता मैडम बहुत ठीक थी, जो भी इतना जो विवाद करवाया है मानुतोष कुमार बड़ा बाबू ही करवाया है। अगर कल मेरे साथ कोई घटना होता है तो मानुतोष कुमार बड़ा बाबू ही इसका ये होगा और रीता मैडम भी होगा। कल अगर मेरा मैडम जो बड़ा बाबू मानुतोष कुमार बोल रहा है कि आपका परिवार को इनकाउंटर करवा देंगे, आपका 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 माँ को भी मरवा देंगे, आपका बाप को भी मरवा देंगे, आपका भाई को भी मरवा देंगे, आपको भी मरवा देंगे, और जितने बिल्डिंग है सब बिल्डिंग में बुलडोजर लाएंगे। 12 तारीख का बाद बोल रहा है कि जो है 12 तारीख को सब घर में बुलडोजर चलवाएंगे। तो ठीक है, जब वो कानून हाथ में लिया है तो ठीक है। जी अब हम मैडम से कोई बात हुई थी इसके बीच में? जी 7 तारीख को, 7 तारीख को जैसे मैडम को बात हुई, मैडम बोला हमको कि देखिए कुर्की जब्ती निकल चुका है, जल्दी आप मिलिए, नहीं मिलेगा तो हम कुर्की जब्ती करेंगे, नहीं तो हम अपना चाकरी नहीं खाएंगे। तो हम ठीक है मैडम, हम आपसे मिल रहे हैं। तो मिलने के क्रम मैडम बोला कि अपना व्यवस्था करके आना, तुम्हें कितना कम से कम 20,000 रुपया लेके आना, नहीं तो हम देखिए घर कुर्की जब्ती करेंगे, नहीं तो अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो पूरा घर का सामान तोड़ के लाएंगे, आप पैसा दोगे तो एक दो जो है बाल्टी उल्टी जो भी होगा एक दीगा कुर्की जब्ती कुर्की जो है शो करवाना है। हम मैडम को बोले अगर ऐसा बात है तो हम अपना भाई को सिलेंडर करवा देंगे, आप हमको 24 घंटा का समय दीजिए। आप बोल रहे हैं कि मैडम आपसे पैसा मांग रही थी, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? है प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको हम रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, एकदम रिकॉर्डिंग है, मेरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, आप सुन लीजिएगा। कुर्की जब्ती होने से पहले आपके घर में इश्तेहार लगाने आए थे? नहीं सर, कुर्की जब्ती आज 1.5 साल पहले को इश्तेहार लगाया था, बोला था कि भाई को आप सिलेंडर करवाइए। मोटा मोटी ये हो गया आपका 2021 8वां महीना में लगाया था, बोला कि भाई को सिलेंडर करवाए तो कुर्की जब्ती करेंगे। उसके बाद इधर 6 महीना से लेकर अभी तक एक भी कोई इश्तेहार ना कुछ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर कि हम बोले तो क्या बोले, कानून बोल के कोई बिहार में चीज़ नहीं है। इश्तेहार लगाता उसमें ढोल नगारा बजता कि भाई फलना दिन ताली भाई आपका घर कुर्की जब्ती होगा, नहीं तो आप भाई को सरेंडर करवाइए। अगर वो हमको मेरा घर में इश्तेहार लगाता या कोई नोटिस चिपकाता या हमको कोई इन्फॉर्मेशन होता 1 महीना पहले या 2 महीना पहले या 3 महीना पहले, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अचानक आके हमको कटिहार बुला लिया, हमको कटिहार में रख लिया, आके मेरा घर तोड़ तार के वो लोग जो है तामझाम किया, मेरा माँ को अनशन गाली दिया, मेरा बहन को गाली दिया, ऐसा ऐसा गाली दिया, अभद्र अभद्र गाली दिया, मेरा भाई को मारा, मेरा बाप को जोशो गाली दिया।